One, two, three. अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी सी और खूबसूरत लड़कियों, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज मैं मेहंदी आई मेकअप लुक करूँगी जो कि गोल्डन और ग्रीन है, जो कि इंतहाई खूबसूरत लगता है मेहंदी में। इसलिए आप ये मेकअप कर सकते हैं ग्रीन और गोल्डन ड्रेस के साथ। और चलिए जी, विदाउट एनी इंटरप्शन वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पैलेट में से कोई भी लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेकर उसको एज अ ट्रांजेक्शन शेड आपने लगाना है, और फ्लफी ब्रश की हेल्प से आपने उसको हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में ब्लेंडिंग कर देनी है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ब्रश को आपने सर्कुलर मोशन यानी कि घुमा घुमा के ब्रश को आपने हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद मैंने पैलेट में से इस तरह का ग्रीन शेड ले लिया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया जो मैंने स्टार्ट किया था। इस तरीके से आपने कॉर्नर पर लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद आपने आगे तक लेके जाना है और उसकी स्लो स्लो मोशन में ब्लेंडिंग करनी है। अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे तो उतना ही खूबसूरत लुक आएगा, तो ब्लेंडिंग करते हुए आप आहिस्तगी से आगे लेके जाएंगे। उसके बाद अब मैं पैलेट में से शिमर शेड लूंगी गोल्ड कलर का, और गोल्ड कलर को उस अपनी आईलेट के स्टार्टिंग में इस तरीके से मैं लगा दूंगी। फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप भी लगाएगा फिंगर से, फिर उसके बाद मैं इसको स्मूथ आउट करूंगी, क्योंकि फिंगर से हमारी पिगमेंट और भी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत आती है, तो फिंगर से इसको हम स्मूथ आउट कर लेंगे। अब मैं अपनी लैश लाइन के ऊपर आईलाइनर को अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्मच आईलाइनर को यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लैशेस लगा दी। अब मैं आइस के नीचे भी वही ग्रीन शेड लगाऊंगी जो मैंने आइस के आउटर साइड के ऊपर लगाया था। ग्रीन कलर का शेड ही मैं इस तरीके से लगा लूँगी। अच्छी तरीके से इसकी आपने ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से कोई भी हाइलाइटर का शेड, गोल्डन शेड हो उस टाइप का लगा देंगे आप, और उसको ब्रॉ बोन के ऊपर भी लगा देंगे। उसके बाद मैंने एक तिरछी लाइन खींची आईलाइनर को ड्रॉ करने के लिए, और एक विंग सा क्रिएट कर लिया। और विंग को क्रिएट करने के बाद मैं स्मज ब्रश की हेल्प से इसकी स्मजिंग करूंगी। स्मज आईलाइनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप भी लाजमी लुक के अंदर स्मज आईलाइनर को ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिया गोल्डन आईलाइनर। अब गोल्डन आईलाइनर को लेने के बाद मैं इस तरीके से बारीक सी लाइन ड्रॉ करूँगी अपनी लिट के ऊपर वाली साइड पे, जहाँ पर हमारा मेकअप जो है, हमारा जो गोल्डन और ग्रीन शेड है जो जहाँ पर एंड हो रहा है उसके ऊपर आपने इस तरीके से गोल्डन कलर की लाइन को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है, और फ्लैट ब्रश लेने के बाद आपने जो हमने ये लाइनर लगाया है इस लाइनर को और बारीक करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही बारीक किस्म की लाइन चाहिए। अब मैं ब्लैक कलर का स्मज आईलाइनर जो मैंने लिया था उसको भी आइस के नीचे इस तरीके से लगाऊंगी, और उसको कनेक्ट कर दूंगी अपने विंग के साथ इस तरीके से, और फिर इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड आउट कर दूंगी। विद द हेल्प ऑफ कंसीलर अब मैं अच्छी तरीके से लुक को नीट आउट करूंगी, और हमने लुक को नीट आउट इसलिए करना है ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आए। लीजिए, हमारी लुक कम्प्लीटली रेडी है। उम्मीद करती हूँ जी आपको ये लुक अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक